इशू ये है कि देश में से जैसे सिख को एलिनिएट अलग थलग कर दिया गया, उसी तरह मुस्लिम को भी अलग थलग कर दिया गया। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं मुख्तसर तौर पर कि सवाल नमाज का है नहीं। अगर पूरे हिंदुस्तान में तो नमाज, पूरे भारत में तो नमाज अदा होती है, तो अकेला गुड़गांव तो है नहीं कि जहां नमाज अदा नहीं हो रही। नमाज अदा होती है, पर गुड़गांव सेंटर क्यों ढूंढ लिया गया ये समझने की कारण है कि गुड़गांव ही सेंटर क्यों। गुड़गांव के साथ मेवात, मेवात से मेरा ख्याल है 6 MLA, 4 MLA आते हैं, तीन एमएलए आते हैं मेवात से, तो 3 MLA भी आते हैं। अलवर भी मेवात में पड़ता, वहां से भी एमएलए आते हैं, वो भी मेवात में पड़ते हैं। तो मुझे ये समझ में आ रही, क्योंकि ये जो एलिनिएशन का जो दिमाग में बैठा है, ये जो एलिनिएट करने का, मुझे पता है 1984 में जब सिखों को एलिनिएट कर दिया गया था और पूरे 30 साल के हालात से सिख गुजरा है, और उसी हालात में आज मुस्लिम उसी एलिनिएशन की तरफ गुजरा। मेरा सवाल केवल ये है कि जब मुगलों का नाम लेकर ये कहते हैं, तो मैंने एक सवाल पूछा अपने हिंदू भाइयों से, सवाल पूछा, और उस दिन गुरुद्वारे में भी बहुत सारे हिंदुओं ने ये बात उठाई, तो मैंने उनसे एक पूछा कि मुगलों के सरप्रस्ती में सेनापति हिंदू था, रेवेन्यू मिनिस्टर सारे हिंदू थे, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट था जो हाईएस्ट पोजीशन पे रहा हो और वो हिंदुओं के पास ना हो। तो मुझे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट बताया, मुस्लिम तो नहीं वहां बैठा था। तो मेरा ये कहना है कि इशू ये है ही, इशू कुछ और है। इशू ये है कि देश में से जैसे सिख को एलिनिएट अलग थलग कर दिया गया, उसी तरह मुस्लिम को भी अलग थलग कर दिया गया। ये चिंता का विषय है, और ये बात है जो मैं समझता हूं कि अजीब जी ने आज आपके सामने ये बात को नमाज के तौर पर उठाई है। नमाज सवाल नहीं है, नमाज तो 2018 से पहले भी होती थी, मैं गुड़गांव से बहुत समय पहले से रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि नमाज अकेला गुड़गांव में, बाकी सारे सभी जगह होती थी। तो सवाल ये है कि हमें ये केवल ये सोचना है कि आज ऐसे हालात पैदा क्यों, और खास तौर पर 2014 के बाद ये हालात पैदा क्यों। 2014 के पहले भी तो हो सकते थे, जो 2014 के पहले भी तो नमाजें अदा होती थी, तो 2014 के बाद ये नमाज अदा है, और ये भी खास तौर पर जब ये हालात बनते आए कि हमने किसी ऐसे सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ना माने। मैंने कईयों से पूछा, और उस दिन कुछ लोग आए जो सिक्स रूम में थे, उनका मेरे पास वीडियो भी आया, उन्होंने गुरुद्वारे में आकर अपना भाषण भी दिया, हमारे मेरे खिलाफ भी दिया, उन्होंने कहा सरदार जी गलत बोलते हैं, औरंगजेब ने तो बहुत सिखों के साथ बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा मुगलों के साथ सिखों के खट्टे और मीठे संबंध रहे, अगर बाबर के साथ गुरु नानक के अपने संबंध रहे, बाबर के साथ मरदाना नहीं था, मरदाना सारी जिंदगी बाबर गुरु नानक के साथ था। ये पीर कुतुब शाह ने अपने 500 अपने साथियों को गुरु गोविंद सिंह जी के फौज में शहीद करवा दिया, उन्हें अपने दोनों बच्चे शहीद करवा दिए, तो ये बात ही कहनी गलत थी कि सिखों के साथ ज्यादती हुई। आज गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत है, गुरु तेग बहादुर साहब को कोई औरंगजेब ने नहीं बुलाया था कि यहाँ आओ और आप शहीद हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि गुरु तेग बहादुर साहब आज जो आर्टिकल 1921 की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उन्होंने औरंगजेब के सामने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। अगर उस समय गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर बहादुरगढ़ का किला है, बिल्कुल पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के सामने है बहादुरगढ़ का किला, उसमें अगर आप जाएं तो सामने मस्जिद और सामने ही गुरुद्वारा, वहां 4 महीने औरंगजेब का साधु सूबेदार था वहां, और सूबेदार के पास रहे, तो कौन सी ऐसी लड़ाई हो रही थी। केवल ये है कि सिखों को जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, शायद वो इतिहास के वो पन्ने हैं नहीं, और हमारी गलती ये रही कि हमने शहीदियां तो दी, हमने खून से इस देश को सींचा तो सही, पर उस खून के बारे में हमने इतिहास लिख ही नहीं सके, हम अपनी बात लिख ही नहीं सके कि उसके पीछे का सच क्या था। तो मेरा ये कहना है कि आज जरूरत है हम सबको एक होने की, आज जरूरत है, सवाल मुसलमान और सिख का नहीं है। मुझे वो दिन याद है जिस दिन मुझे सरदार हुकुम सिंह ने, जब 12 आदमी लालटू में बाहर निकाल कर मारे गए, वो सिंह सभा के प्रधान थे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी थे, और मैं सिंह सभा स्थापना कमेटी का सेक्रेटरी था, वो जब 12 मारे गए तो मुझे सरदार हुकुम सिंह ने भेजा अचल सिंह लाहौरवाल के पास, वो तो कोई धर्म युद्ध ऐसा मोर्चा नहीं था, जल बंटवारे का इशू था। उस जल बंटवारे के इशू में जो 12 आदमी मारे गए, तो सरदार हुकुम सिंह ने मुझे कहा कि सत अचल सिंह लाहौरवाल के पास एक बात कह दो कि इस मोर्चे को सस्पेंड कर दो और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, ताकि ये बात पता लग जाए कि
माने या नहीं माने, हमारा ये कहना है तब भी सिख नहीं थे, आज भी सिख इन्वॉल्व नहीं है, आज भी मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं है। 40 साल से जो इतिहास का ये आतंकवाद, खालिस्तान, ये जो सारा झंझट सिख और मुसलमान सह रहा है, ये बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए खतरनाक है। मुझे सरदार हुकुम सिंह की एक बात और याद है, जब तक इस देश में मुसलमान और सिख है, इस देश को कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। इसलिए ये सरदार हुकुम सिंह के वचन और मेरा फर्ज है, मेरा ये धर्म है, और मैं समझता हूँ अदीब जी है या मुस्लिम समाज है, उनका ये धर्म है, ये देश हमारा है, हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में रहेंगे, हम इस देश में मरेंगे, हम इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और अगर कोई आदमी हमारे साथ ज्यादती करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।